गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी आज है नानू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नानू, नानू जान। तो बस अभी चेकआउट कर रहे हैं हम होटल से, वापस निकलने वाले हैं। बाहर निकल के गर्मी लग रही है बहुत, है ना गाइस। कल हमारे गाड़ी की ना नेम प्लेट जो है वो बहुत ढीली हो गई थी। घर से चले जब भी ढीली थी तो वो गिर गई थी। तो निखिल ने कहा कि बस अभी ये रास्ते में कहीं गिर जाएगी तो है ना, इसको टाइट करवा लेते हैं। तो आज बस लेट निकले थे होटल से और काम खींचा जा रहा है, हमारा टाइम खींचा ही जा रहा है। तो आज देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इन भैया के पास इतनी बड़ी दुकान है लेकिन पता नहीं ये इनसे हो पाएगा नहीं, नेम प्लेट लगवानी है ना। बिहार का मुझे सबसे बेस्ट शहर जिसे बोलते हैं ना, वो बोध गया ही लगा। देखो पहाड़ी पे मैंने क्योंकि अभी तक और देखे नहीं है, लेकिन मुझे और सिटीज की बजाय बिहार की डेवलप लगाई है ना निखिल। रोड्स वगैरह भी ठीक है यहाँ, स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, मॉल वगैरह, रोड्स भी अच्छे हैं। हाँ रोड भी अच्छे हैं, बस भीड़ तो देखो है ही बिहार में थोड़ा ज्यादा है, अदरवाइज अच्छा है बहुत। तो गाइज आज वो नेम प्लेट लग गई है क्योंकि वरना गिर जाती। तो निखिल ने कहा कि चलो लगवा के फिर ही चलते हैं, वरना पुलिस वाले है ना खड़े हैं हर जगह पे। और अब देखते हैं आज कहाँ पहुंच पाएंगे। आज थोड़ा ना वैसे भी हम बहुत लेट निकले थे, तो आज तो नन्नू का बर्थडे मनाते हुए जा रहे हैं, मतलब हर रास्ते में। और है ना ये है ना कम्फर्टेबल ड्रेस पहन के आया है, बोला कि मम्मा मैं तो मुझे है ना अभी फुल मत पहना, तो रात को ही पहनेगा पार्टी वाली ड्रेस तो है ना नन्नू, तो हम तीनों रात को ही पहनेंगे। देखते हैं रात को कोई अच्छा होटल मिल जाएगा तो अच्छा है, अदरवाइज तो नन्नू का बर्थडे पोपट हो जाएगा। पोपट नहीं चौपट। और गाइस मेरी ऐसा कुछ नहीं है, घूम रहे हैं, ये सही नहीं है बेटा, घूम रहे हैं आराम से तीनों साथ में। और क्या होता है बर्थडे? वो निखिल नारियल देखो कितने ज्यादा नारियल के छिलके पड़े हैं वो। ओह माय गॉड, नारियल का। हाँ जो भी हम नारियल पीते है ना तो पूरी दुनिया के यही पे उधर डाल रखे है शायद कचरा सा। गुजरात की गाड़ी भी है यहाँ पे, झारखंड की गाड़ी है, बिहार, बंगाल की, सारा मिक्स है मतलब। हाँ तो गाइज मैंने तो पानी में डाल के ना सत्तू पी लिया, और निखिल ने पिया नहीं, निखिल ने बस केला खाया। तो बस अब भी लगातार चलते रहे ना, और आज थोड़ा थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस कर पाए, लेकिन थोड़ा बीच में से भीड़ भड़क का है ना, तब टाइम लग जाता है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो यूं मैं सोच रही थी पीछे की जितना जंगली इलाका आया था ना, अभी उतना ही भीड़ वाला इलाका आ रखा है। और बाईपास नहीं है निखिल इनका? नहीं है, बोले हर जगह का बाईपास, पता नहीं क्या। बस तो गाइज आज तो मुश्किल है कि हम कहाँ कितना किलोमीटर कर पाएंगे, वो आप लोग देखते रहिए आपको पता लग जाएगा। तो गाइज बिहार के ये जगह है ना बहुत स्मार्ट सी है, इस साइड तो देखो पहाड़ी इलाका है ना पूरा ही, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बीच में नारियल के पेड़ और ऐसे रहा है बहुत। अरे निखिल फिर से वो ये गाँव वाली जगह आ गई, लेकिन हाँ तो बीच में गाँव है ना छोटे छोटे, ये हाईवे नहीं है ना। हम उधर जा रहे हैं, हम ना एक बार गया से बेगूसराय की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बेगूसराय, फिर बेगूसराय से आगे देखते हैं किशनगंज की तरफ निकलेंगे। अच्छा मेरे को लगा जियासराय, क्योंकि जियासराय तो वहाँ था ना रायपुर में। नहीं जियासराय तो दिल्ली में है। हाँ दिल्ली में है जियासराय। आज 11 साल के बाद ना, 10 साल बाद, मतलब सेम डे है आज, जैसे नैनू सैटरडे को हुआ था तो आज सैटरडे ही है। तो है ना शायद 10 साल बाद ऐसा हो रहा है कि सेम डे पड़ रहा है इसके बर्थडे का दिन। बीच में एक बार और भी आया था क्या? एक बार और आया। हाँ तो पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो आज सैटरडे ही है और नैनू सैटरडे को ही हुआ था, तो ऐसा बहुत कम होता है कि डे सेम रहे आपका बर्थडे वाला, जिस दिन आप बोर्न हुए तब। तो आज सेम डे है। ये देखो ये ना बहुत प्यारी जगह आ रही है, भगवान और निखिल, बादल और पहाड़ी एक जैसा। यहाँ पे इस पहाड़ी पे बुद्ध भगवान का एक कोई वो तीर्थ स्थल। वाओ कितना स्मार्ट सी जगह है ना ये बहुत। अभी हम राजगीर की तरफ जा रहे हैं, जो भी एक बड़ा ही बुद्धिस्ट सेंटर है गया की तरह। हाँ बहुत अच्छा है लेकिन, है ना निखिल, ये रेतीली से लग रहे है ना पहाड़। हाँ ये पत्थर के है, बहुत सुंदर जगह है, बट बहुत सुंदर जगह है ये। था वो दशरथ माझी, मतलब दशरथ माझी वाला पहाड़ भी आया था, वो हम दिखा नहीं पाए। दशरथ माझी कौन है व्यूअर्स को पता होगा, और तुम्हें बता दूं वो व्यक्ति, उसने अकेले पहाड़ खोद दिया था, मतलब पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था अकेले। मैंने माझी देखा है, माझी। हाँ तो वही वाले, तो मूवी भी बनी है माझी। अच्छा माझी, वो तो देखी हुई है मैंने। हाँ, देखी वही है। वही वाली जगह आई थी पीछे। हाँ
तो गाइस सच में और भी प्यारा सीन है, जैसे जैसे चलते जा रहे हैं ना बहुत प्यारे सीन आते जा रहे हैं। ये महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि है, भगवान बुद्ध की। वाकई में लग भी रहा है कि तभी वो इतने शांत है मतलब सच में, क्योंकि ना जगह इतनी शांत और सुंदर है ना, तो आप आदमी अपने आप ही साइलेंट हो जाता है। देखो अच्छा। बहुत शांत है, प्यारी जगह है बहुत। तो गाइस बस यहाँ पे ना गन्ने का जूस पियेंगे। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कल जैसे रास्ते नहीं आएंगे, क्योंकि आज जो है ना आज है ना पंजाबी होटल भी था पीछे, और आंटी देखो और लिट्टी चोखा आंटी ने भी बना रखा है, और लिट्टी चोखा हाँ लिट्टी चोखा खाना है। ओ माय गॉड कितनी प्यारी प्यारी डोल बिक रही है, क्योंकि पीछे ना मेला है क्या निकले। देखो लिट्टी चोखा बना रही है ये है ना लिट्टी चोखा है ना। वाह आंटी ए, पहले है ना ऐसे गोल गोल बना लिया आटे का। तो गाइस किस किस ने लिट्टी चोखा खाए हैं जरूर बताना, मैंने अभी तक खाए नहीं है लेकिन बहुत देखा है मैंने रास्ते में। मैं सोच रही हूँ कि अभी है ना यहाँ घिचबिच सी जगह पे खाना खाने के बजाय मुझे लगता है आगे आएंगे। तो निखिल ने पूरी सब्जी ले ली है और नैनू जलेबी दी है आंटी ने, जलेबी इसके साथ खानी है क्या सब्जी के साथ। पूरी उन्होंने पता अच्छी बनाई है यार, ऑयल नहीं है देखो चिपकने रहा है, देख लो। और है ना पता है ना पूरी उसकी है चना आटे की है ना, मोटी है। हाँ मोटी है। तो आंटी मुझे भी ना लिट्टी चोखा ला के दे रही है, कह रही है खा ले बेटी निखिल। तो गाइस आंटी मेरे लिए भी ना लिट्टी चोखा तो ला रही है। अच्छा लगेगा दीदी लिट्टी लीजिए। पचास लिट्टी है ना, मीठा रहता है क्या? नहीं लिट्टी। तो गाइस ये देखो दीदी ने मेरे लिए ला के दिया। आप ना ये भाभी 10 का सिक्का दे दो, पूरी और ला दीजिए। पूरी और ला दे, 20 दे देती हूँ। 20 दे दो। हाँ 20 की ला दो और पूरी। इतनी अच्छी है ना दीदी, तो बहुत अच्छी है। देख दीदी पानी भी ला के दिया है, जल यहाँ से धो लीजिएगा तो दे दीजिएगा। कितनी अच्छी है ना, वाह रे बहुत ही प्यारी है ना। नैनू को देखो और भी ला के दे रही है दीदी, वाह चलो बाय दीदी। और अच्छी है वास्तव में दीदी, कह रही है जाओ इतनी प्यारी है, चलो बाय बाय दीदी। लिट्टी चोखा खा लिया है अभी तो पेट भर गया है, बहुत अच्छा लिट्टी चोखा। अदरवाइज पीछे ना कच्चा कच्चा सा था, मैंने चखा नहीं था, लेकिन मैंने ना देखा खाने का मन नहीं किया था, लेकिन दीदी का खाया मैंने बहुत अच्छा। राजगीर के पास नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं पे है, नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है ना, देखा था हमने। तो दीदी का प्यार देख के ना बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी है सही में है ना निखिल। कितनी प्यारी, और नैनू को कह रही थी ले बेटे और जलेबी ला के देती हूँ और खा लेना और खा ले, बहुत अच्छी है सही में। तो गाइस ये तो ना ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, गंगा नदी पे बन रहा है, गंगा है वो देखो वो दिख रही, और ये ब्रिज बन रहा है। तो है ना गंगा कहाँ दिख रही है नदी अभी, अभी पानी हाँ वो रही थोड़ा पानी बहुत कम है अभी, थोड़ा दूर दिख रही है। और देखो कैसे ब्रिज बन रहा है निखिल, बहुत टाइम लगेगा ये ब्रिज बनने में, तो साल लगेगा है ना। नन्नो ने बहुत टाइम बाद गंगा नदी को देखा है, पहले कानपुर में देखा था नन्नो है ना, जब छोटा है इसका याद नहीं है। ये मोकामा घाट का इलाका है, अवली मोकामा घाट, मोकामा घाट है ना, तभी इतनी भीड़ है। राइट साइड में अच्छी दिखेगी, अब देखना थोड़ी देर में ना। तो गाइस ये देखो गंगा मैया के दर्शन आप भी कर लो, कितने प्यारी लग रहे है ना। और है ना बीच बीच में जो मिट्टी सूख गई है ना, तो इतना प्यारा सा लग रहा है बहुत। हाँ, पानी ये देखो वो है। लेकिन वो अभी ना फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं इनके ऊपर से, तो है ना मतलब भी थोड़ा ना ट्रैफिक टापू बन जाता है देखो नदी में गर्मियों में। हाँ ये देखो इधर देखो, इधर से देखना, इधर से देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन तो है बहुत पानी एकदम, नहीं लग रहा, लग रहा है साफ। ये राइट साइड देखो कितना अच्छा स्टाइलिश था वो बना रहे हैं ब्रिज, और लेफ्ट साइड में तो एकदम पूरा अच्छा लग रहा है। तो गाइस 5:30 हो गए हैं और बस अभी चाय पियेंगे। तो चाय अब मिली है थोड़ी देखने को मुझे तो, और कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं शायद, तो है ना निखिल पीछे लेने गए हैं चाय, देखते हैं कैसी चाय मिलेगी। तो है ना यहाँ पे ना एक बात है गाइस, यहाँ पे ना हमारी वजह बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5:30 हुए है ना, और देखो पूरा ऐसे बाहर का दिख भी नहीं रहा, तो पूरा अंधेरा अंधेरा थोड़ा है ना, मतलब कि ना अंधेरा ऐसे बोलते हैं ना दिन ढल गया है, तो दिन ढल चुका है एकदम पूरी तरीके से, और घरों में ना लाइट ऑन हो गई है अंदर,
तो हमसे ना एक घंटा 45 मिनट्स मतलब फर्क है हमारे यहाँ का और यहाँ का, जल्दी अंधेरा हो जाता है और सुबह भी यहाँ पे जल्दी हो जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे ना कोई पास में कोई शहर दिखेगा एक डेढ़ घंटे में तो वहीं पे रुक जाएंगे। और आज क्योंकि नानू का बर्थडे है तो नानू का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, केक वगैरह देखते हैं कि होटल वाले मंगवा के देंगे या हमें लेनी है। और मैं तो चली हूँ जब से नेल पेंट भी नहीं लगाया है, तो आज होटल में जाके नेल पेंट लगाएंगे और उसके बाद नानू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो टाइम से पहुँच जाएंगे। तो बस निखिल चाय लेके आते हैं फिर देखते हैं। नन्नू क्या कर रहा है, छुप छुप के क्या देख रहा है, ये देखता है बच्चा देखो। तो गाइस निखिल चाय देना, उसमें चाय ले आए हैं। देखो मुझे ऐसे, मुझे इनमें ना चाय पसंद है, पियो और फेंक दो, है ना। गरम है, गरम पसे पकड़ो। हाँ बहुत गरम है। ए भगवान कितने मक्के के दाने, देखो कितने मक्के के दाने हैं, सड़क पे है और पूरी रोड पे मक्के के दाने। अरे आगे देखो, राइट साइड आगे भी देखो, ओहो पूरा प्रोसेस यही कर देते हैं। मेरे को लगा पता नहीं सड़क पे क्या काम कर रहे हैं, हाँ, आपको तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं ये ना। लेकिन ये भुट्टा है मक्का। तो गाइस ये भूतनाथ रोड है और मंदिर देखो कितना प्यारा है, तभी मंदिर रहता है भूतनाथ को भगाए। हाँ इसीलिए है ये भूतनाथ शिव जी भगवान का लगना है। सारे शोरूम है यहाँ पे, सारे शोरूम है। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ जो बहुत प्यारा है, देखो कितना प्यारा रूम है। तो नैनू के लिए स्पेशली है ना, हम अच्छा होटल देख रहे थे कि नैनू का बर्थडे के लिए हम आए हैं घूमने के लिए, तो आज तो नैनू के लिए बेस्ट रूम मिलना ही चाहिए, है ना नैनू। तो रूम तो बहुत प्यारा है, कैसा लगा, एकदम है ना घर के जैसा है ना बिल्कुल। और है ना सोफा और ये बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है इनका, तो रूम मुझे बहुत प्यारा लगा। हाँ ये देखो कितना प्यारा है ना, और एकदम नीट एंड क्लीन मतलब बहुत साफ प्यारा सा है। और ये देखो आर्ट कितना मेरा, यहाँ पे भी एक ये है, इस साइड ऐसे है देखो, इस साइड कितना प्यारा है ना, मस्त है बहुत। और उधर अलमीरा है और उधर है ना छोटा सा फ्रीज वगैरह सब दे रखा है ना। हाँ कोल्ड्रिंक फ्रिज में रख देंगे, कोई नहीं होगा। गाइस बस केक का ऑर्डर इनको दे दिया है, ये बोले कि मैम केक मिल जाएगा यहीं पे हमारे पास रहता है, तो बस बता दीजिए कौन सा फ्लेवर। तो लेकिन चॉकलेट फ्लेवर ही मिला है और अभी पहले से बहुत लेट हो चुका है, तो बच्चे की केक तो काटना ही है क्योंकि आज भी इसका बर्थडे और बर्थडे के लिए स्पेशल हम लोग आए हैं। सो रूम भी बहुत प्यारा मिल गया है और नैनू को बहुत पसंद आया, कैसा लगा नैनू। तो आज सिर्फ और सिर्फ ना नैनू की चलेगी, तो नैनू ने एक दो रूम देखे थे वो स्मॉल साइज था और थोड़ा सा मतलब हाँ, और तो नैनू को ये वाला रूम बहुत ज्यादा बेस्ट लगा, तो बोला मामा ठीक है ये लेंगे, और निखिल को भी ये अच्छा लगा, तो है ना मुझे भी अच्छा लगा। खैर थोड़े से पैसे ज्यादा है उससे, है ना, अच्छा तो खुद ही लगा, लेकिन बहुत सुंदर है गाइस ये रूम, लेकिन पूरा इंक्लूडेड है ना, आप तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ तो बस अभी ना रेडी होना है, रेडी होने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हाँ ड्रेस लेके आए तो पहन लेते हैं क्योंकि भाई थोड़ा लेट हो गए हैं आज ना, 9 बजने वाले हैं, लेकिन अभी बस केक कट करके खाने का ऑर्डर कर देंगे और इतने में केक कट हो जाएगा, तो रेडी होते हैं और उसके बाद केक कटते हैं। चलो नैनू सबसे पहले नैनू को रेडी करना होगा, नैनू चल खड़ा हो जा। निकी को ना ऐसे लैंप हो और ऐसे सोफे पे है ना बुक पढ़ना बहुत पसंद है मुझे, पता यहाँ पे मिस्सी रोटी मिल रही है, बता मिस्सी रोटी खाऊंगा बहुत दिन से नहीं। तो गाइस डिनर भी साथ में आ गया है, बहुत अच्छा बहुत तेज भूख लगी है, और ये है मस्त केक। तो गाइस आज हम इस केक को काटेंगे, किससे, डैगर से। तो गाइस आज हम इस केक को काटेंगे नहीं, इसका मर्डर करेंगे ऐसे बीच में चटनी ऐसे नहीं, कैंडल वाला हम करेंगे। निकला आप यहाँ पे लगा के आओ ना। हाँ हाँ तो गाइस बस अभी ना नैनू का ये केक कट कर लिया है हमने, और है ना व्लॉग बनाने के लिए कोई था ही नहीं क्योंकि ना, तो नैनू एक बार फिर से दोबारा कट कर लो क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए ना भैया लोग। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू नैनू, हैप्पी बर्थडे नैनू। और नैनू बहुत क्यूट लग रहा है ना, ये ड्रेस ना मैंने चूज की थी नैनू की। टेस्टी टेस्टी केक, आह मेरे मुंह पे गिर जाएगा। बहुत अच्छा है ना,
हाँ केक टेस्टी है, केक ना होटल वालों से ही मंगवाया था, भी खाओ अच्छा है लेकिन चॉकलेट का केक है ना तो अच्छा है बहुत। एप्पल आप भी खाओ। बर्थडे हो गया है और ये केक भी हम ही खा लेंगे। और है ना खाना निकल गया क्या? मिक्स वेज, मिक्स वेज, मिक्स वेज है और रायता है। रायता आपने मंगवाया था क्या? मंगवाया था। चलो अच्छा है, सैलेड को ना इन्होंने ऐसे अच्छे से पैक करके लिया है क्योंकि हमारा टाइम लग रहा था वैसे भी। तो चलो नैनू खाना खाते हैं बेटा, आ जाओ, बर्थडे बॉय फर्स्ट है ना। तो बर्थडे नैनू का मन गया है, बस आज थोड़ा सा लेट हो गया अदरवाइज और भी वो हो जाता। तो जल्दी से मैंने तो है ना हिल तो पहनी नहीं, रख दी निकलने है ना, ड्रेस ड्रेस पहनी थी बस। चलो नैनू निखिल, सब्जी मिक्स वेज है और मेसी रोटी है ना, मेसी रोटी और तंदूरी रोटी, तवा रोटी। केक टेस्टी है वैसे काफी। इसमें लेमन स्क्वीज कर दो। हाँ कर दो। तो गाइस बस बहुत तेज भूख लग गई है और थोड़ा सा केक भी खा लेते हैं क्योंकि केक है ना वो केक साइज स्मॉल है, वैसे टेस्टी है बहुत, लेकिन होटल वाले बर्थडे का केक तो खाना चाहिए। इन्होंने थोड़ी मंगवाया हुआ है निखिल, इन्होंने थोड़ी बनाया हुआ है केक। नहीं ये कह रहे हैं यही बनाते हैं यहाँ पर। तभी ना हमने कहा भैया बाहर से केक मंगवाना, तो बोले नहीं नहीं वो हम ही लगेंगे। नेल पेंट आज तक चेंज नहीं हुआ, पूरा सफर निकल जाएगा नेल पेंट। नेल पेंट हाँ, नैनू के भी एक पैर के अंगूठे पे नेल पेंट लगा हुआ है। तो चलो नैनू जल्दी आ जा,